गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने जो मैसेज लेके आया हूँ, मैं एक कहानी से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। वो एक कहानी के ज़रिए मैं, आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी दुविधाएं आपके दिमाग में चल रही होंगी, तो इस कहानी के ज़रिए मैं आपके लिए एक छोटा सा संदेश लेके आया हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो एक बार की बात है, एक राज्य में राजा ने अपने महल राजमहल में एक मंदिर की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने वहाँ एक सबसे मशहूर जो शिल्पकार थे उनसे एक खूबसूरत मूर्ति बनाने का प्रयास किया। उनको बोला कि आप एक बहुत खूबसूरत सी मूर्ति बनाएं। राजा स्वयं उनके पास गए और उनको बोला एक महीने के अंदर हमने उद्घाटन करना है मंदिर का, तो आप एक बहुत खूबसूरत भगवान की एक मूर्ति बना के दें। तो शिल्पकार ने बोला बिल्कुल राजा जी, बन जाएगी, कोशिश करेंगे पूरी। और उनको बोला कि आपको मन मुताबिक आपको इनाम भी मिलेगा। तो शिल्पकार अपने काम में लग गए। वो एक पहाड़ से बहुत ही एक चुनकर एक पत्थर को लाए ताकि उसको वो तराश कर एक खूबसूरत सी भगवान की प्रतिमा बना सके। तो जैसे ही वो अपनी औजार लेके, अपनी हथौड़ी, अपनी शैनी के साथ वो उस पत्थर पर वार करने लगे ताकि उसको वो एक आकार दे सकें, उसको एक शेप दे सकें, तो वो पत्थर चिल्लाने लगा, वो पत्थर चीखने लगा, वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसको वो जो शिल्पकार थे तो उन्होंने कोशिश की फिर भी, लेकिन वो पत्थर उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्होंने उस पत्थर को साइड पे फेंक दिया। वो फिर से गए पहाड़ की तरफ, वहाँ तराश कर फिर उनको एक अलग पत्थर लेके आए और फिर उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार वो पत्थर एक बार भी चूं तक नहीं किया। वो शिल्पकार अपनी हथौड़ी से बार बार वार कर रहा था उसको एक तराशने के लिए, उसको एक शेप देने के लिए, एक भगवान की खूबसूरत प्रतिमा बनाने के लिए वो प्रयास करता रहा। और वो पत्थर बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे वो जज़्ब कर गया अपने अंदर। और एक महीने के बाद जब राजा वहाँ आए तो एक भगवान की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति उनको मिली और वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिल्पकार को मन मुताबिक इनाम दिया और भी भरपूर उनको आभूषण दिए, उनको हीरे जवाहरात दिए। तो जाते वक्त राजा जी के पाँव को ठोकर लगी एक पत्थर से, तो उन्होंने पूछा शिल्पकार से कि ये पत्थर कैसा है। उन्होंने बोला ये मेरे काम का नहीं है। तो राजा जी बोले क्या मैं इसको ले जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ राजा जी, आप ले जाइए। तो ये वही पत्थर था जिसने अपने ऊपर वो तराशने वाले जो वार थे उनको नहीं बर्दाश्त कर पाया, वो चीखा चिल्लाया और वो साइड पे फेंक दिया गया। अब राजा जब मंदिर में गए, उन्होंने वो खूबसूरत प्रतिमा जो भगवान की बनी थी उस दूसरे पत्थर से, उसको वहाँ पे उसको स्थापित किया और उसकी बहुत पूजा अर्चना हुई, बहुत ही आभूषण चढ़ाए गए, फूलों से उसका श्रृंगार किया गया। और जो दूसरा पत्थर था उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर उसको स्थापित कर दिया, और जब भी कोई वहाँ पे मंदिर पे पूजा करने आता तो वो नारियल का पत्थर वहाँ ज़ोर से मारता। तो दोस्तों, एक कहानी का सार क्या है, हमारे जीवन में भी वो जो हथौड़ी की जो वार है वो हमारे जीवन में भी हो रही है, वो हमारे सैक्रिफाइसेस के तौर पे, वो हमारी लेट नाइट्स के तौर पे, अर्ली मॉर्निंग्स के तौर पे, और वो हमारा सोसाइटी से अलग थलग होके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में हमें करना पड़ रहा है। अगर हम अभी चिल्लाएंगे, चीखेंगे, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हमें उस दूसरे पहले पत्थर की तरह पूरी ज़िंदगी वो नारियल से हमारी हम पे वार किया जाएगा। हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम एक बार वो दर्द बर्दाश्त कर लें और अपने जीवन को एकदम खूबसूरत प्रतिमा की तरह तराश कर एक अपने अंदर छुपी हुई उस मूर्ति को बाहर आने दें। वो मूर्ति उस दूसरे पहले पत्थर के अंदर भी थी, लेकिन उस पत्थर ने वो दर्द बर्दाश्त नहीं किया, अपने अंदर छिपी हुई इस मूर्ति को बाहर आने ही नहीं दिया। दोस्तों, हमारे सबके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, हमारे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है जो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी कहते हैं ना, अगर आपको कुछ बनना है तो पहले जलना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, आपको वार सहना पड़ेगा। तो उस दूसरे पत्थर की तरह, हमेशा उस दूसरे पत्थर की तरह बनिए। आप लोग इस वक्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा आपको यही संदेश है। इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, पढ़ाई में कभी कभी लग रहा होगा कि ये सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, बहुत कम टाइम बचा है। आपने हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, सबके साथ यही भावना सभी महसूस करते हैं, क्योंकि
ये एक एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें आपकी मेंटल टेनेसिटी का भी उतना ही एक टेस्ट होता है जितनी आपकी पढ़ाई करने की क्षमता का। तो आपने बिना हताश हुए लगातार अपने अग्रसर रहना अपने काम की तरफ, एक पूरा एकाग्रचित होकर सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना है और अपने काम में लग जाना है। आप सुबह टाइम पे उठिए, अपना एक डिसिप्लिन बनाइए, अपने शेड्यूल के हिसाब से चलिए, अपनी फिजिकल फिटनेस को भी टाइम दीजिए और एक कॉन्फिडेंट यंग पर्सन की तरह आप देश की सेवा के लिए तैयार करिए अपने आप को। देखिए अभी जैसे सिलेबस की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ यहाँ पे, तो आप 2 से 3 घंटे अपना क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश को ज़रूर दीजिए और 4-5 घंटे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को दीजिए, क्योंकि ये कंपोनेंट्स अभी बहुत ज़रूरी है। सो इससे आपका आप स्टेज 1 पे फोकस हो जाएगा आपका। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्टेज 2 और 3 के लिए अभी बिल्कुल भी फोकस ना करें। जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं अनाउंस होती है, आप रोज़ 1 घंटा ज़रूर दीजिए स्टेज 2 और 3 को। उसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस एक पेज रोज़ का लिखना है, आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आप अपने दोस्तों के साथ अनुवाद कीजिए, अंग्रेजी में कीजिए, यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश सो दैट आपका जो स्पोकन वर्ड है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। साथ में आप अपनी पर्सनैलिटी को तराशिए। देखिए पर्सनैलिटी आप इतने कम टाइम में हम बना नहीं सकते, हम बस उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता है। तो हमें ये कोशिश करनी है, अपने साथ बैठिए, आप खुद से बात कीजिए, खुद को समझिए और धीरे धीरे अपने पर्सनैलिटी के जो फाइन इंट्रिकेसीज हैं उनको बाहर लेके आइए, बिकॉज हम सबके अंदर कुछ यूनिकनेस होती है, उस यूनिकनेस को बाहर लाना है, परेशान नहीं होना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 14-15 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन पढ़ाई नहीं की, आप 6-7-8 घंटे रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हैं अगले 2 से 3 महीने, तो आई एम श्योर कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। और देखिए पढ़ाई से ज़्यादा आपको अपना माइंडसेट सही रखना है, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना है। और देखिए मैं यहाँ पे आपकी मेंटरिंग के लिए हूँ। आप कुछ लोगों ने ये सवाल पूछे कि सर एडमिट कार्ड आ गया है या नहीं, सो डोंट फॉल फॉर दिस। देखिए आप इन फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो पढ़ाई में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको यही एक छोटी सी सलाह है कि आप अपना पूरा ध्यान, अभी देखिए एग्ज़ाम 2 महीने फरवरी से पहले नहीं होगा, आप तब तक अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाए। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं उसको पूरी तरह से एकाग्रचित होकर अपने सिलेबस की तरफ, अपने डेली वीकली और मंथली टारगेट्स को बनाएं, आप उनको अचीव करें। देखिए आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आप टेस्ट लिखिए, प्रैक्टिस करिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक देखिए ना पॉजिटिव माइंडसेट लेके अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि क्यों एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। देखिए एग्ज़ाम क्लियर करना भी हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हमें अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं। और ये एग्ज़ाम उस चीज़ में एक प्रोसेस है, एक स्टेप है उस चीज़ में। तो आपको इंश्योर करना है कि आप हर दिन अपने टारगेट्स को अचीव करें। कभी कभी नहीं भी पढ़ाई होती है, ऐसे होगा, बिल्कुल होगा, कभी कभी आप बर्नआउट फील करेंगे, गिल्टी ना फील करें। देख कभी भी ना अपने आप को नेगेटिव फीडबैक नहीं देना। कभी पढ़ाई नहीं हुई कोई बात नहीं, बोलना है कि ठीक है नो इश्यूज़, आज नहीं हुई कल मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी। तो आपने अपने आप को ना पनिश नहीं करना, ये पढ़ाई एक एंजॉय करके करने वाली चीज़ है, इसको परेशान होके करेंगे तो रिजल्ट भी परेशान होने वाले ही आएंगे। तो आप पॉजिटिव रह के तैयारी कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, बस कोई आप पे विश्वास करे ना करे, आप खुद पे विश्वास करें। आप गिरेंगे उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, ये प्रोसेस है लाइफ में, हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये जो संदेश है इसकी कविता, छोटी सी कविता है, क्योंकि पोइट्री में वो ताकत है जो हमारे रूह को जगा सकती है। तो एक पोइट्री, ब्यूटीफुल पोइट्री के साथ मैं आज के संदेश का अंत करूंगा। कहते हैं ना, मैं आंखों से अंगारे नथुनों से तूफान लाऊंगा, मैं आंखों से अंगारे नथुनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया तारा तो नगर में धोल पिटा दो जी, कि अंधेरे हो लाख गने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। दोस्तों गिर जाना हमारा अंत कभी भी नहीं हो सकता। तो आप गिरते हैं ना तो उससे इंस्पिरेशन लीजिए, फिर उठ खड़े होइए, बिकॉज द पर्सन हु इज रियली स्टबर्न, हु डजंट गिव अप, हु कीप्स फाइटिंग ऑन, ही इज द वन हु इवेंचुअली goes on to achieve his target. So keep fighting, keep rising and become the soldier that this country needs, become the citizen that this country needs and prepare yourself
to help India march into the 21st century with great confidence and great enthusiasm. Thank you so much, friends. I hope you take some message from this today's message and your preparation, you take it to the next level. Thank you so much, friends. Jai Hind!